सो हे गाइस, दिस इज वैभव, अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो आज की जो वीडियो है वो छोटी सी होगी, बिकॉज मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए मुझे भी पढ़ना है। मैं आज जो बात कर रहा वो बात कर रहा नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। मैं उनको बेसिकली गाइड कर रहा कि तुम्हें क्या नहीं करना है। अब इसके लिए तो तुम काफ़ी सारी वीडियोस देख चुके होगे कि क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मुझे नहीं जानते हो तो, कि मैंने अपनी 11th वेस्ट कर दी थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपना 11th का वेस्ट कर दिया था। तो मैं यही सोच के एडवाइस करूंगा कि अगर मैं 11th में होता, यानी अगर 11th वाला वैभव मेरे सामने है, तो मैं उसको क्या एडवाइस कर रहा होता। तो इसीलिए बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस रहने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि अब तुमने अगर PCB चूज़ की है तो डेफिनेटली तुम अपने स्कूल में क्रीम ऑफ द क्रीम ही रहे होगे, ठीक है। लेकिन ना अब यहाँ पे क्या है, अब ना तुम्हें सिर्फ अपने शहर के, तुम्हें पूरे देश के जो भी क्रीम है उससे फाइट करनी है, उससे तुम्हें कम्पीट करना है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो जाए वो ध्यान रखना है कि यार अभी तक करते आए हैं, आगे भी करेंगे, ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है। लेकिन यही अभी भी करते हैं, आगे भी हो जाएगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। इसका तुम्हें ध्यान रखना है कि वो ना हो तुमसे, ठीक है। तुम्हें डाउन टू अर्थ रहना है ताकि तुम कुछ भी जो नई चीज़ हो उसको इजीली सीख सको, इजीली अडेप्ट कर सको। बिकॉज देखो, अगर तुम आगे भी इसी तरह से क्रीम रहना चाहते हो तो तुम्हें अडेप्ट करना ज़रूर सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी चीज़ यही है कि पहले से ना अपने मन में जो नीट के लिए कोई एक इमेज मत बना लेना कि ये बहुत ज़्यादा ही ईजी होता है या बहुत ज़्यादा ही टफ होता है, ऐसा मत करना। देखो, अभी तुम लोगों में से काफ़ी लोग होंगे जिनको नीट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता होगा कि नीट क्या होता है, किस तरह का पैटर्न होता है, कितना टफ होता है, कितना ईजी होता है, कुछ नहीं पता होगा। मुझे भी नहीं पता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब तक तुम्हें कुछ नहीं पता है ना, तो बेटर है कि तुम उसके लिए कोई इमेज ना बनाओ। अब मैंने क्या किया था, मैंने इसी ओवर कॉन्फिडेंस में कि यार अभी तक फोड़ते आए हैं, अब तो आगे भी फोड़ेंगे ही, मैं तो हमेशा जीतूंगा ही, है ना, ये सोच के मैंने जो नीट की इमेज है वो अपने दिमाग में बना ली थी। बिल्कुल एक MCQ टेस्ट होता है, सिंपल सा होगा, कितना ही हार्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, MCQ ही तो होंगे, चार में से एक टिक करने होंगे, ये सोच के मैंने क्या कर लिया था, नीट का जो लेवल है वो अपने दिमाग में गिरा लिया। अब जो वो सीरियसनेस होती है पढ़ाई के लिए वो मेरे अंदर नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जिस कारण मेरी 11th वेस्ट हुई, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि तुम लोग इस चीज़ को ना करो। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि अभी तुम बस ये जानो कि क्या रिसोर्सेज यूज़ करने होते हैं, कैसा होता है नीट, क्या करना होता है, ये सब तुम जानो अपने हिसाब से। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना, इस पर बाद में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो तुम्हें नहीं करनी है वो है अपने आसपास वालों से ज़्यादा तुम्हें अफेक्ट नहीं होना है। अब कोई तुम्हारा चाचा का लड़का होगा या मौसी की बेटी होगी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो तुमको भी आके यही बोलेंगे कि अच्छा बेटा नीट कर रहा है, अरे नहीं 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 हो पाएगा बेटा, छोड़ दे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। देखो, अगर तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है तो नीट देने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ो, ठीक है। लेकिन अगर तुम डॉक्टर सही में बनना चाहते हो तो एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट जरूर दो। मैं मानता हूँ नीट में सिलेक्शन टफ होता है, कंपटीशन ज़्यादा है, बट अपने एंड से अपना जो 100% है वो तो दो तुम। देखो सिर्फ ना अभी मतलब लाइफ में बहुत चीज़ें तुम्हें सीखनी है। लाइफ सिर्फ रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करती कि तुम या तो सिलेक्ट हुए या नहीं हुए, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि तुम इस प्रिपरेशन में ज़रूर से सीखोगे। तो उसके लिए इसलिए अपना 100% दो, और बस यही कहूँगा कि अपने एंड से पूरा दम लगाओ। इन सब लोगों को छोड़ दो जो तुम्हें कह रहे हैं कि ये नहीं करो, ये करो, ये करो, छोड़ दो, अपने हिसाब से देखो। अगर तुम्हें सही में डॉक्टर बनना है, अपना ऑनेस्ट अटेम्प्ट दो एंड फिर देखो क्या आता है रिजल्ट, ठीक है। सो यही थे तीन एडवाइस जो मैं अगर 11th वाला वैभव मेरे सामने होता तो उसे देना पसंद करता, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आई होंगी। कुछ भी तरह के तुम्हें डाउट्स हो या तुम चाहते हो कि मैं नीट 2026 के लिए और इस तरह की वीडियोस बनाऊं तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।